नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं श्रम विचरण। श्रम विचरण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 24 आज सॉल्व करते हैं। मूल प्रमाप मजदूरी दर 10 रुपये प्रति घंटा, पंच निर्णय के फलस्वरूप इसमें 40% की वृद्धि की गई। तो जो मूल प्रमाप दर थी वो 10 रुपये प्रति घंटा निर्धारित की गई, लेकिन फिर जो है निर्णय करके एक फैसला लिया गया कि इसमें 40% की वृद्धि की जानी चाहिए। एक बजट अवधि में 1000 घंटे कार्य किया गया, तो जो एक्चुअल आवर्स हैं वो है 1000 घंटे, जिसमें 900 प्रमाप घंटों के तुल्य उत्पादन हुआ, और जिसमें उत्पादन किया गया 900 प्रमाप घंटों के तुल्य, यानी जितना उत्पादन 900 प्रमाप घंटों में किया जा सकता था उतना उत्पादन 1000 घंटों में किया गया। वास्तविक श्रम लागत है 16,000 रुपये। श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो स्टैंडर्ड क्या निर्धारित किया गया है? स्टैंडर्ड आवर्स हैं 900 और रेट है 10 रुपया। ये ओरिजिनल है मूल प्रमाप लागत। इसमें फिर ऐड कर देंगे इंक्रीज्ड बाय 40%, तो 10 का 40%। प्रमाप मजदूरी दर को 40% से बढ़ा दिया गया, वृद्धि कर दी गई। तो प्रमाप मजदूरी दर 10 रुपये थी, 10 रुपये को 40% से बढ़ाया, यानी 4 रुपये इसमें वृद्धि कर दी गई। तो जो प्रमाप लागत निर्धारित की गई वो 14 रुपये निर्धारित की गई, 900 घंटे। इस प्रकार से एक्चुअल आवर्स हैं 1000 घंटे, और जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट लगी 16,000 रुपये की, और जो रेट है जो एक्चुअल मजदूरी की दर हुई 16 रुपये। 16,000 कुल लागत है, 16,000 में 1000 घंटों का भाग दिया तो 16 रुपये लागत आ गई। और जो कॉस्ट है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 900 घंटे काम किया गया, 14 रुपये के हिसाब से मजदूरी चुकाई जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हुई 900 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 12,600। श्रम विचरण ज्ञात करेंगे। ये एक्चुअल आंकड़े हैं, ऊपर वाले स्टैंडर्ड हैं, ये नीचे वाले वास्तविक आंकड़े हैं। पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, TSC - TAC। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 12,600 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट है 16,000, यानी कि प्रमाप लागत से अधिक लागत पे काम हुआ है। तो ये विचरण जो है ये प्रतिकूल है, ये विचरण प्रतिकूल आ रहा है 3400 रुपये से। तो जो LCV है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो 3400 रुपये एडवर्स है। अब देखते हैं LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स 900 घंटे हैं, प्रमाप घंटे दिए गए हैं 900 घंटे, एक्चुअल आवर्स हैं 1000। यहां लिखा हुआ है कि 1000 घंटे में 900 प्रमाप घंटों के तुल्य उत्पादन हुआ, यानी जितना उत्पादन हमने 900 घंटों में निर्धारित किया था उतना उत्पादन करने में 1000 घंटे लगे वास्तव में, इसलिए ज्यादा घंटों में काम हुआ, तो प्रमाप की बजाय वास्तविक घंटे ज्यादा लगे। तो ये विचरण प्रतिकूल है, एडवर्स है। स्टैंडर्ड रेट है 14 रुपये, तो ये विचरण आ गया 1400 एडवर्स। तीसरा लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 14 रुपये, एक्चुअल रेट है 16 रुपये, यानी कि अधिक मजदूरी दर पर काम करवाया गया वास्तविक,
तो ये भी विचरण प्रतिकूल है। एक्चुअल आवर्स है 1000, 2 रुपये का अंतर है मजदूरी में, तो 2 को 1000 से गुणा कर देंगे और ये विचरण एडवर्स है। जांच कर ली जाए, वेरिफिकेशन किया जाए विचरणों का, LCV इज इक्वल टू LEV प्लस LRV। LCV है 3400 एडवर्स, LCV है 1400 एडवर्स, LRV है 2000 एडवर्स, तो इन दोनों का योग 3400 एडवर्स होता है। यानी कि जांच करने पर यह पाया गया कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो करेक्ट हैं, सही हैं। एक विचरण इसमें और ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की रेट में ही अंतर हो गया। पहले प्रमाप की जो मूल दर थी वो 10 रुपये थी, फिर पंच निर्णय के आधार पर इसमें 40% की वृद्धि की गई, तो जो रेट निर्धारित की गई वो 14 रुपये निर्धारित की गई। तो एक लेबर रेट वेरियंस अलग से और ज्ञात किया जा सकता है केवल प्रमाप के संबंध में। तो इसमें जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपये जो मूल जो प्रमाप दर थी, फिर जो रिवाइज करी है वो हो गई 14 रुपये और स्टैंडर्ड आवर्स है 900। जो पहले मूल प्रमाप दर थी वो 10 रुपये थी, फिर बाद में निर्णय से को बढ़ा दिया गया, 14 रुपये कर दिया गया, यानी कि ये विचरण प्रतिकूल है 4 रुपये से, और 900 स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो विचरण है ये 3600 एडवर्स आएगा। तो केवल प्रमाप के अंदर ही एक लेबर रेट वेरियंस देखा जा सकता है कि पहले 10 रुपये थी, बाद में उसको 14 रुपये कर दिया गया, तो 4 रुपये से जो है प्रमाप दर में ही प्रतिकूल विचरण हो रहा है, यानी रेट जो खर्चा है प्रमाप लागत बढ़ गई, और कितनी बढ़ी, 900 घंटों के पीछे 4 रुपये से ये जो प्रमाप लागत बाद में बढ़ा दी गई, तो जो विचरण है वो 3600 रुपये एडवर्स है प्रमाप के अंदर ही। तो इस प्रकार से एक ही विचरण और ज्ञात किया जा सकता है। श्रम विचरणों से संबंधित एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बजट और एक्चुअल। बजट यानी ये प्रमाप है और ये वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं। तो 2 प्रकार के श्रमिक लगाए गए हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड, कार्यकुशल और अकार्यकुशल। तो 2 प्रकार के श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के लिए जो प्रमाप निर्धारित किया गया है, स्किल्ड मैन है 1600 घंटे काम करेंगे, उनको 4 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी और टोटल मजदूरी दी जाएगी 6400 रुपये, और जो अनस्किल्ड मैन है उनको 3200 घंटे वो काम करेंगे, उनको 3 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी और टोटल मजदूरी दी जाएगी 9600 रुपये। तो जो टोटल घंटे हैं दोनों कुल मिलाकर टोटल 4800 घंटे काम करेंगे, और इनकी जो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए वो है 16000 रुपये। तो 16000 रुपये प्रमाप निर्धारित किया गया है टोटल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और 4800 घंटे जो हैं वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं दोनों के मिलाकर। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो स्किल्ड मैन है उन्होंने 2400 घंटे काम किया और उनको 2.5 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई, 2.5 रुपये प्रति घंटा। इस प्रकार उनकी जो टोटल कॉस्ट आई एक्चुअल में वो 6000 रुपये आई। अनस्किल्ड मैन, इन्होंने 3600 घंटे काम किया और इनको 2 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी चुकाई गई, और जो इनके संबंध में जो कॉस्ट आई वो आई 7200 रुपया। तो जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आई वस्तु के उत्पादन में वो आई 13200 रुपये की, और कुल मिलाकर मजदूरों ने 6000 घंटे काम किया। तो एक्चुअल आवर्स है 6000 घंटे, और जो एक्चुअल कॉस्ट है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो है 13200 रुपये। श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो पहला है लेबर कॉस्ट वेरियंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 16000 रुपये और टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 13200 रुपये। 16000 रुपये और 13200 रुपये। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए जो भी यहाँ पर कॉस्ट आई है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट वो क्वेश्चन में दी हुई है वो की वो ले ली गई है। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ होता और दोनों में अंतर होता प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में, तो फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करते, रिवाइज करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, प्रोडक्शन के बारे में सूचना नहीं दी गई है, तो जो भी कॉस्ट दी गई है वो हमने यहाँ पर ली है लेबर कॉस्ट वेरियंस ज्ञात करने के लिए।
तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 16,000 रुपये, एक्चुअल टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 13,200 रुपये, यानी कम लागत पर काम करवा लिया गया। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल है, ये विचरण अनुकूल है 2800 रुपये से, 2800 रुपये फेवरेबल आ रहा है LCV। दूसरा है LRV, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। दो प्रकार के श्रमिक हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इन दोनों के संबंध में अलग अलग प्रमाप मजदूरी दर और वास्तविक मजदूरी दर है, इसलिए लेबर रेट वेरिएंस इन दोनों के संबंध में अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। 4 रुपये और 3 रुपये प्रमाप मजदूरी दर है, जबकि वास्तव में भुगतान किया गया 2.5 रुपये और 2 रुपये, यानी कि मजदूरी है वो कम चुकाई गई, कम मजदूरी दर पर काम करवा लिया गया, इसलिए ये दोनों विचरण ही अनुकूल है। इसको एक्चुअल आवर्स से गुणा कर देंगे, स्किल्ड मैन के एक्चुअल आवर्स हैं 2400 और अनस्किल्ड मैन के एक्चुअल आवर्स हैं 3600। तो 4 में से 2.5 गए माइनस किया तो ये आता है 1.5 रुपया, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से, तो 3600 फेवरेबल आ रहा है। दूसरा 1 रुपये का डिफरेंस है, 1 को गुणा कर देंगे 3600 से, तो 3600 रुपये फेवरेबल आ रहा है। कुल मिलाकर इन दोनों का जो लेबर रेट वेरिएंस है वो आ रहा है 7200 फेवरेबल। तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, श्रम कार्य कुशलता विचरण, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स हैं 1600 और 3200 और एक्चुअल आवर्स हैं 2400 और 3600। स्टैंडर्ड आवर्स को भी हमने यहाँ पर रिवाइज नहीं किया है क्योंकि प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन नहीं दिया गया है। अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दिया हुआ होता और इन दोनों में अंतर होता तो हम स्टैंडर्ड आवर्स को जो है वास्तविक उत्पादन के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात करते, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट 4 रुपये और 3 रुपये। तो 1600 घंटे स्किल्ड मैन के डिसाइड किए थे कि 1600 घंटे काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 2400 घंटे काम किया, यानी ज़्यादा घंटे काम किया, तो ये विचरण जो है वो प्रतिकूल है 3200 से। 800 रुपये का यहाँ डिफरेंस है, 800 को 4 से गुणा किया, 3200 से ये जो विचरण है प्रतिकूल है। अनस्किल्ड मैन के लिए प्रमाप निर्धारित किया था 3200 घंटे का, लेकिन वास्तव में उन्होंने 3600 घंटे काम किया, यानी ज़्यादा घंटे काम किया, तो 400 से ये विचरण भी प्रतिकूल है, और 400 को 3 से गुणा कर देंगे तो 1200 रुपये एडवर्स है। कुल मिलाकर ये जो है 4400 रुपये एडवर्स आ रहा है। अगर वेरिफिकेशन करना हो, अगर जांच करनी हो कि LCV ये जो भी तीनों विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत है, तो वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन होगा LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV। LCV है 2800F, LRV है 7200F और LEV है 4400A। तो 4400A और 7200F, यानी 7200F में से 4400A माइनस हो जाएंगे, तो जो डिफरेंस आता है वो 2800F आता है, यानी कि इस जांच पर हमारे तीनों विचरण खरे उतरते हैं, तो विचरण जो भी हमने ज्ञात किए हैं वो सही हैं। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के श्रमिकों का मिक्स हुआ है, स्किल्ड मैन और अनस्किल्ड मैन, तो यहाँ पर जो है लेबर मिक्स वेरियंस भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चौथा है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है
revised standard hours minus actual hours into standard rate. एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स घटा दिए जाते हैं, लेकिन मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात किए जाते हैं. रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इसलिए ज्ञात किए जाते हैं कि ये जो मिक्स है, ये टोटल हमने 4800 घंटे का मिक्स निर्धारित किया था कि 4800 घंटे में से 1600 घंटे स्किल्ड मैन काम करेंगे और 3200 घंटे अनस्किल्ड मैन काम करेंगे, लेकिन वास्तव में टोटल मिक्स जो था वो 6000 घंटों का था. तो अगर प्रमाप हम 6000 घंटों के पीछे निर्धारित करते तो 6000 घंटों के पीछे हम स्किल्ड मैन के कितने प्रमाप घंटे निर्धारित करते और अनस्किल्ड मैन के हम कितने प्रमाप घंटे निर्धारित करते. इसलिए जो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात करने पड़ेंगे. स्टैंडर्ड आवर्स को टोटल एक्चुअल मिक्स के लिए ज्ञात करना पड़ेगा. ये दोनों अभी तुलनीय नहीं है, क्योंकि ये जो स्किल्ड मैन के घंटे और अनस्किल्ड मैन के जो घंटे हमने जो मिक्स ये बनाया है, ये 4800 घंटे में से बनाया है, जबकि वास्तव में 6000 घंटे में से जो एक्चुअल मिक्स बना है. तो इसलिए यहाँ पर 6000 घंटे हैं, यहाँ पर 4800 घंटे हैं, इसलिए ये दोनों अभी तुलनीय नहीं है. इन दोनों के बीच में विचरण ज्ञात नहीं किया जा सकता. तो इन दोनों को तुलनीय बनाने के लिए जो स्किल्ड मैन के आवर्स हैं और अनस्किल्ड मैन के आवर्स हैं, यानी जो प्रमाप मिश्रण है, इसको हमको टोटल एक्चुअल मिक्स के लिए ज्ञात करना पड़ेगा, 6000 घंटों के लिए ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर ये दोनों तुलनीय हो जाएंगे और फिर इनके बीच में विचरण की गणना करी जाएगी. तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का फॉर्मूला है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स. तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात करेंगे RSH फॉर स्किल्ड मैन के स्टैंडर्ड आवर्स हैं 1600 घंटे. 1600 घंटे हमने निर्धारित किए थे 4800 घंटे में से. अगर 6000 घंटों के लिए स्किल्ड मैन के आवर्स निर्धारित करते तो कितने करते? तो 4800 में से 1600 में 4800 का भाग लगा दिया जाएगा और 6000 से गुणा करेंगे तो आएगा 1999.99, यानी कि 2000 घंटे. टोटल 4800 घंटे में से हमने सोचा था कि 1600 घंटे स्किल्ड मैन काम करेंगे, लेकिन अगर वास्तव में टोटल 6000 घंटे काम हुआ, तो अगर 6000 घंटे में से स्किल्ड मैन के आवर्स हम प्रमाप निर्धारित करते तो हम करते 2000 घंटों का. इसी प्रकार रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर अनस्किल्ड मैन के हमने प्रमाप घंटे निर्धारित किए थे 3200 घंटे हमने निर्धारित किए थे 4800 घंटे में से. अगर 6000 घंटे के लिए हम अनस्किल्ड मैन के घंटे निर्धारित करते, प्रमाप निर्धारित करते अनस्किल्ड मैन के लिए, तो कितना करते? तो 3200 में 4800 का भाग लगेगा और 6000 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ रहा है 3999.99, यानी 4000 घंटे. तो इस प्रकार से 6000 घंटों के लिए मिश्रण बनता 2000 घंटे और 4000 घंटे का. ये प्रमाप घंटे हम निर्धारित करते अगर 6000 घंटे हम लेते टोटल मिक्स में. तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए हमने ज्ञात कर लिए हैं और ये वेरिएंस दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा पहले. तो RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 2000 स्किल्ड के लिए और 4000 हैं अनस्किल्ड के लिए. एक्चुअल आवर्स जो थे स्किल्ड मैन के लिए 2400 और अनस्किल्ड के लिए 3600. स्टैंडर्ड रेट है 4 और 3 रुपये. तो 2000 घंटे रिवाइज स्टैंड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है 2400, यानी 6000 घंटे के पीछे हम स्किल्ड मैन के अगर प्रमाप घंटे निर्धारित करते तो 2000 करते, लेकिन वास्तव में 6000 घंटों में से 2400 घंटे स्किल्ड आवर्स ने काम किया, यानी स्किल्ड मैन जो हैं उन्होंने ज़्यादा घंटे काम किया है. तो ये विचरण प्रतिकूल है 400 से 400 को गुणा कर देंगे 4 से तो 1600 A. इसी प्रकार अगर 6000 घंटों में से अनस्किल्ड मैन के लिए हम प्रमाप घंटे निर्धारित करते तो 4000 घंटे निर्धारित करते, लेकिन वास्तव में अनस्किल्ड मैन ने 3600 घंटे काम किया है 6000 घंटे में से. तो यहाँ पर अनस्किल्ड मैन ने कम काम किया है, तो इसलिए जो विचरण है ये अनुकूल है, ये 400 से अनुकूल है. 400 को गुणा कर देंगे 3 से तो 1200
एफ आता है। इस प्रकार इनका दोनों का सम्मिलित अगर हम लेबर मिक्स वेरिएंस देखें तो आ रहा है 400 ए। तो लेबर मिक्स वेरिएंस है 400 एडवर्स। इसमें एक विचरण और रह जाता है, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। पांचवा है लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स हैं स्किल्ड मैन के 1600 घंटे और अनस्किल्ड मैन के हैं 3200 घंटे। जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स हैं, क्योंकि जब हम प्रमाप निर्धारित कर रहे थे तो हमने प्रमाप 4800 टोटल जो एक्चुअल मिक्स था आवर्स का वो 4800 घंटे के पीछे हमने प्रमाप निर्धारित किया, लेकिन वास्तव में 6000 घंटे लगे। तो 6000 घंटे के लिए अगर हम प्रमाप निर्धारित करते तो हम करते 2000 और 4000 का। तो जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो है 2000 घंटे और 4000 घंटे। तो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस में हम देखें तो हमने स्किल्ड के लिए प्रमाप निर्धारित किया था 1600 घंटों का, लेकिन वास्तव में अगर हम टोटल एक्चुअल मिक्स के पीछे प्रमाप निर्धारित करते रिवाइज निर्धारित स्टैंडर्ड आवर्स हम देखें तो वो आ रहे हैं 2000, यानी कि ये घंटे अधिक हो रहे हैं। तो ये विचरण जो है ये प्रतिकूल है। स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपये स्किल्ड मैन की। इसी प्रकार अनस्किल्ड मैन के लिए हमने घंटे निर्धारित किए थे, प्रमाप घंटे निर्धारित किए थे 3200 घंटे, लेकिन अगर हम जो टोटल एक्चुअल मिक्स है वास्तविक जो मिश्रण है 6000 घंटे उसके पीछे अगर हम रिवाइज करते इन घंटों को तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमारे हैं 4000 घंटे, यानी रिवाइज करने पर ये घंटे अधिक आ रहे हैं। तो ये विचरण भी प्रतिकूल है। और जो स्टैंडर्ड रेट है अनस्किल्ड मैन के लिए वो है 3 रुपये की। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है 1600 एडवर्स स्किल्ड मैन के लिए और अनस्किल्ड के लिए आ रहा है 2400 एडवर्स। इन दोनों का टोटल करते हैं तो आता है 4000 एडवर्स। तो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस है 4000 रुपए प्रतिकूल आ रहा है। अब आगे के विचरणों की जांच कर ली जाए तो पहला वेरिफिकेशन किया LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV और दूसरा वेरिफिकेशन होता है LEV इज इक्वल टू LMV प्लस LSEV। तो LEV है 4400 एडवर्स, LMV है 400 एडवर्स और लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस है 4000 एडवर्स। तो कुल मिलाकर इन दोनों का योग आ रहा है 4400 एडवर्स। तो यानी कि जांच पर ये जो हमारे विचरण हैं आगे के विचरण भी खरे उतरते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में, आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चन हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 28। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।